बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। हम लोग बात कर रहे हैं ग्रह आरंभ मुहूर्त, यानी आप मकान बना रहे हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, नींव आप रख रहे हैं या बाउंड्री आप करवा रहे हैं, फाउंडेशन खुदवा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा दिन यहाँ पर अच्छा रहेगा। सितंबर और अक्टूबर की हम बात करेंगे, दो महीनों की। देखिए मैं डेट वाइज आपको यहाँ पर जानकारी दूँ, उससे पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब भी हम कोई मुहूर्त निकालते हैं यहाँ पर, गृह प्रवेश या गृह आरंभ या पर्टिकुलर किसी मुहूर्त की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी मुहूर्त हो, हमेशा मुहूर्त में दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वैसे आप विस्तार से अगर किसी प्रकार से मुहूर्तों की कोई विशेष जानकारी हो या फिर अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, परामर्श, अगर इस प्रकार की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है अध्यात्म और ज्योतिष, आप वहाँ पर इस चीज़ का जो इसकी जो नॉलेज है आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको समय समय पर इस चीज़ को बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। कोई भी मुहूर्त हो, अगर मुहूर्त आप जिस डेट को आप चयन कर रहे हैं उस दिन आपकी राशि के अनुसार वह डेट वास्तव में आपके लिए अनुकूल है या नहीं है, इस बात को हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने कहीं भी डेट देख लिया और हम उसके आधार पर उसको मुहूर्त समझ लें, समझ रहे हैं? वो मुहूर्त हो सकता है लेकिन आपके लिए वो मुहूर्त शुभ है या नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आप खुद कर सकते हैं। मान लो हमने कोई डेट निश्चित कर ली, जैसे मैं आपको इसमें डेट बता रहा हूँ, बहुत सारी तारीख बता रहा हूँ, आप उसमें से कोई भी तारीख चिन्हित कर लीजिए, ठीक है। मान लो कि आपने 1 अक्टूबर का दिन उदाहरण के तौर पर, वैसे 1 अक्टूबर का इसमें है नहीं दिन, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर मान लो मुहूर्त है किसी भी काम का, तो आपने क्या करना है कि 1 अक्टूबर के दिन का जो चंद्र स्पष्ट है, चंद्रमा उस दिन किस राशि पर है, मान लो चंद्रमा का संचरण काल उस दिन कुंभ राशि पर है, और आपने एक चंद्र कुंडली तैयार करनी है जो आपकी अपनी राशि की कुंडली होगी, और उस दिन के हिसाब से ग्रह गोचर के चंद्रमा को अपनी कुंडली में विराजमान करना है, फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा 4th, 8th और 12th नहीं होना चाहिए विशेषकर, बाकी चंद्रमा शुभ होता है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता उस दिन देखनी है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपको उस दिन का पर्टिकुलर एक लग्न आपको निश्चित करना है कि आपको कितने बजे से कितने बजे के बीच शुभ समय में आपको काम करना है, कौन सा वह लग्न होना चाहिए जिसमें आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये आपको निश्चित करना है। अब हम सीधा चर्चा की ओर चलते हैं, चर्चा मुहूर्त की कर लेते हैं। इसमें सितंबर माह में अगर हम बात करेंगे तो ग्रह निर्माण करने के लिए, ग्रह आरंभ के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है सितंबर में। अगस्त तक की जानकारी आपको पहले दे चुका हूं और आगे हर महीने की आपको जानकारी मैं लगातार देता रहूंगा। अब इसमें अक्टूबर की हम बात कर लेते हैं। नए दर्शक हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो जानकारियां वो समय समय पर मिलती रहेंगी। अगर हम इसी प्रकार नवंबर माह की बात करते हैं और नवंबर की जो तिथियां हैं उसको हम लेकर चलते हैं, जिसमें मैं आपको टाइम, लगन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले नवंबर के महीने में जब भूमि पूजन, नींव पूजन, वास्तु पूजन की बात आती है तो हम यहाँ पर 5 नवंबर को सबसे पहली तिथि हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगर आप वास्तु से रिलेटेड जानकारियाँ चाहते हैं तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा किस प्रकार से ये बनते हैं, और विस्तार से आप इसी प्रकार की जो चर्चाएं हैं, वास्तु की जानकारियां हैं, तो उसके लिए आप हमारे अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर भी जा सकते हैं, वहां पर डिटेल से मैंने वास्तु की बहुत सारी जानकारियां आपको दी हैं। तो यहां पर जो है नवंबर, 5 नवंबर, देखिए 5 नवंबर को जो संयोग यहां पर बनेगा वो कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष अतिशुभ हो जाएगा, ठीक है, और शनिवार रहेगा। लेकिन यहां पर कई लोग भ्रांतियां ये भी रहती हैं कि शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए, तो उसको बिल्कुल भी आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि कौन से बार को करना है या और अन्य जो जानकारी है वो मैं आपको पहले भी कई बार दे चुका हूँ, तो इसलिए इसको भ्रांति को आपको नहीं रखना है। रेवती का संयोग रहेगा ये आपका 5 नवंबर, तो 5 नवंबर का लग्न हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 5 नवंबर को यहाँ पर वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो ये ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार यहाँ पर तुला लग्न खत्म हो जा रहा है 7:30 बजे, 7:32 पर, तो 7:32 के बाद और 9:52 तक यहाँ पर
आपका वृश्चिक लग्न रहेगा जो कि आपका अति शुभ है, आप अपने गृह निर्माण का कार्यक्रम जो है वास्तु पूजन का कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट इसमें क्या आ रही है वह है 11 नवंबर। 11 नवंबर का जो संयोग बन रहा है वो मार्गशीर्ष का महीना लग जाएगा, कृष्ण पक्ष रहेगा, तृतीया तिथि शुक्रवार, शुक्रवार को इसमें बहुत शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है 11 नवंबर का जो मुहूर्त इसमें बन रहा है उसका लग्न हम यहां पर देख लेते हैं। 11 नवंबर ये रहा, तो 11 को वृश्चिक लग्न का जो समय है वो है ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार 7:08 से प्रारंभ हो रहा है, तो लग्न खत्म हो जाएगा, और 9:28 तक का जो समय है वो वृश्चिक लग्न का रहेगा। इस समय आप अपना पूजन कार्य शुरू कर सकते हैं। ये स्थितियां परिस्थितियां आप पर भी निर्भर करती हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपके यहाँ वो लग्न कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, ये भी उसमें विषय हो जाता है। दूसरा आपके शहर के अनुसार वो व्यवस्थाएं क्या बन रही हैं, आप उस समय अपने काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, जो मिस्त्री हैं जो काम करेंगे उनकी क्या स्थिति है, तो कई सारी चीज़ें हैं उसको भी आपको देखना चाहिए। तो दूसरा भी लग्न उसमें आप निकला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली तारीख 5 और 11 के बाद है 14 तारीख। 14 नवंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि और सोमवार, ये अच्छा संयोग है, ठीक है। 14 नवंबर, तो 14 नवंबर का लग्न देख लेते हैं, ठीक हो गया। कर्क राशि पर चंद्रमा रहेंगे 14 को जो है 6:57 वही एवरेज 7 बजे मान लीजिए, और 9:15 तक ये जो है समय रहेगा, तो ये आप कर सकते हैं 14 को। 14 के बाद है 19 नवंबर, जिसमें शनिवार पड़ रहा है, शनिवार को लेकर भ्रांति आपको नहीं रखनी है, वो मैंने आपको बता दिया है, और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और दशमी तिथि रहेगी, ठीक है ना, और 19 नवंबर, ठीक है। तो 19 नवंबर का भी लगन देख लेते हैं, 17, 18, 19, ये रहा 19 का लगन जो है, समय थोड़ा और नज़दीक आ गया, 6:37 ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार और 8:56 तक ये समय रहेगा। अगली जो तारीख है 21 नवंबर, 21 का जो संयोग बन रहा है वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, और 21 का जो लगन रहेगा वृश्चिक का वो 21 तारीख में आपका 6:29 से लेकर 8:50 तक का समय ऋषिकेश के अनुसार रहेगा। 28 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी और सोमवार, ये बहुत अच्छा संयोग है, पंचमी और शुक्र चंद्रवार का, पंचमी शुक्र का, ठीक है ना, ये दोनों ही अच्छे हैं। तो आपका जो है 28 तारीख को क्या स्थिति है देख लेते हैं। हाँ, आपको 21 के बाद 25 का बता दिया, 25 का ही है, 25 नवंबर का। तो 25 नवंबर को क्या बन रहा है, 25 को वृश्चिक लग्न सुबह 8:30 तक ही रहेगा, जल्दी खत्म हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 28 नवंबर को भी पच्चीस का आपको बता दिया 8:33, और इस दिन जो है 8:21 पर ही खत्म हो जाएगा। तो ये 28 नवंबर यानी नवंबर तक का जो तिथियां हैं, टाइम है, वो मैंने आपको लगन सहित बता दिया। अगली वीडियो में हम दिसंबर माह की चर्चा अगली वीडियो में करें।